हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को एलकेजी में हिंदी भेजूं है। आज का टॉपिक है चार अक्षर वाले शब्द। क्या है चार अक्षर वाले शब्द? कौन कौन से होते हैं? जैसे सरबत, पनघट, दमकल, टर्कश, अजरक, थर्मस, बरगद और अचकन, पतझड़, पनघट, अजगर। तो ये क्या है? ये चार अक्षर वाले शब्द है। पहले मैंने आपको क्लास में बताया आप लोगों को। सबसे पहले मैं क्या बताया था आप लोगों को? वर्णमाला के बारे में बताया था कि वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन दो भागों में बांटा गया है। उसके बाद क्या बताया? उसके बाद जो है क्लास में दो अक्षर का मेल, चल, नल, फण, फिर हल, रस, भस, जग, ठीक है, ओके। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाया? तीन अक्षर का मेल जैसे कमल, पवन, नयन, बटन। तो ये क्या थे? तीन अक्षर वाले शब्द थे। क्या थे? तीन अक्षर वाले शब्द। आज मैं आप लोगों को क्या बताने जा रही हूँ? आज मैं आप लोगों को आज की क्लास में चार अक्षर वाले शब्द कौन कौन से होते हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को आज बताऊंगी कि कौन कौन से चार अक्षर वाले शब्द होते हैं। चार अक्षर वाले शब्द जैसे छ, र, श, र, ब, त। क्या हुआ बच्चों? क्या हुआ? ये हुआ शरबत। द, म, क, ल, क्या है? दमकल। द, म, क, ल, दमकल। फिर त, र, क, श। श,
दम से दम तल इसके बाद लास्ट में पर्यटन। इसी तरह हम क्या करेंगे लास्ट में हम चित्र को पहचानेंगे कि इसे किसका चित्र बना हुआ है। ये जो चित्र बनेगा है पिक्चर बना है उसमें क्या बताया गया है इसमें ये पिक्चर किसी है ये आप लोगों को बताना है इसमें कि ये पिक्चर किसी की है। सबसे पहले क्या दिया गया है हम चित्रों को देखकर शब्द पूरे करेंगे। चित्रों को पहचानकर शब्द पूरे कीजिए। चित्रों को पहचान कर क्या करना है शब्द पूरे करने हैं। कैसे जैसे हम अभी यहाँ पर ये चित्र खींचा गया है दल दल गा रा नु इसमें पहले हम रा दा क्या हो गया यहाँ पर से दल दल इसके बाद क्या है खल तो पहले हम करेंगे यहाँ पर ल क्या हो गया खटमल फिर आ दा